हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शादियों में बनने वाला खोया पनीर। खोया पनीर को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसा कि शादियों वाले पनीर का आता है। तो चलिए फिर खोया पनीर को बनाना शुरू करते हैं। तो खोया पनीर बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच तेल और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने उसमें ऐड कर दिया है 4 से 5 लौंग, 2 काली इलायची, 4 से 5 हरी इलायची, 1 तेज़पत्ता और 1 लाल मिर्च। आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का यूज भी कर सकते हो। और पहले इन खड़े मसालों को मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। और जब खड़े मसाले अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा। तो करीब 30 सेकंड हो गए हैं और सारे जो हमने खड़े मसाले इसमें डाले थे वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दिया है 1 चम्मच जीरा। और अब जीरे को भी लगातार चलाते हुए सुनहरी कलर आने तक भून लूँगी। और जैसे ही जीरा सुनहरी कलर का हो गया तो मैंने उसमें ऐड कर दिया है रफली चॉप्ड यानी कि मोटा मोटा कटा हुआ 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। और पहले मैं लहसुन की कलियों को भी हल्का सा रोस्ट करूंगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज। तो यहाँ लहसुन हल्का सा रोस्ट हो चुका है तो ये मैंने 2 प्याज लिए हैं और प्याज को भी रफली कट कर लिया था। अब प्याज को मैं लगातार चलाते हुए करीब 4 से 5 मिनट तक रोस्ट करूंगी या फिर जब तक कि प्याज का कलर सुनहरी कलर का ना हो जाए। तो करीब 4 से 5 मिनट लगेगी मीडियम फ्लेम पर प्याज को भूनने में। और जैसे ही प्याज का कलर सुनहरी कलर का हो गया, आप देख सकते हो कि प्याज अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टमाटर। और टमाटर को भी मैंने रफली चॉप कर लिया था। और ये मैंने 10 से 12 काजू ली है तो ये भी मैंने टमाटर के साथ ही ऐड कर दी है। आप चाहो तो काजू को स्किप भी कर सकते हो। और अब टमाटर को लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। करीब टमाटर को पकने में 4 से 5 मिनट लग जाएगी। तो आप देख सकते हो कि अब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब इसको अच्छे से ठंडा होने दूंगी। तो अब पेस्ट अच्छे से ठंडा हो गया है तो मैं इसको मिक्सी जार में निकाल लूँगी। लेकिन उससे पहले जो ये तेज पत्ता और ब्लैक कार्डेमम थी यानी कि काली इलायची थी, इनको मैं निकाल दूंगी क्योंकि अगर ये हमारे मसाले के साथ पिस जाएगी तो हमारी ग्रेवी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर खोया पनीर में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने सारे मिक्सचर को मिक्सी जार में निकाल लिया है और अब इसको पीस लूँगी। और सारी चीज़ों को अच्छे से पीसने के बाद अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने फिर से सेम ही कढ़ाई यूज की है और अब मैं उस कढ़ाई में डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। इस स्टेज पे अगर आप चाहो तो तेल की जगह घी या बटर का यूज भी कर सकते हो। और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इस अदरक लहसुन के पेस्ट को लगातार चलाते हुए थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे यानी कि भून लेंगे, जिससे कि अदरक और लहसुन का कच्चा फ्लेवर निकल जाएगा। और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है तो यहाँ मैं मीडियम फ्लेम पर अदरक लहसुन के पेस्ट को रोस्ट कर रही हूँ। और जैसे ही ये अच्छे से भुन गए तो मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच लाल मिर्च। ये लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए मैंने 1.5 चम्मच ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। और लाल मिर्च के डालने के तुरंत ही बाद हम इसमें जो हमने पीस कर पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे। और मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने सारा जो पेस्ट था वो निकाल लिया है। अब हम एक बार इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें सूखे मसाले लेंगे। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी करीब 1/4 चम्मच और 2 चम्मच धनिया पाउडर। और यहाँ अभी इस स्टेज पर मैं नमक यूज नहीं करूँगी, नमक को हम बाद में ऐड करेंगे। तो अब इन सूखे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद मैं इसको ढककर कुक करूँगी। हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि जो ये मिक्सचर है ये अच्छे से ना पक जाए और कढ़ाई से साइडों से तेल ना छोड़ने लगे। लेकिन हमें इसे पकाते हुए ध्यान रखना है कि हम इसे बीच में चलाते हुए पकाएंगे।
तो करीब 10 से 12 मिनट बाद आप देख सकते हो कि हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है और उसका साइड में थोड़ा थोड़ा सा तेल भी छोड़ने लगी है। हमने ज़्यादा तेल यूज नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा तेल तो नहीं छोड़ेगी। तो अब ये ग्रेवी अच्छे से पक गई है, तो मैं भी इसमें ऐड कर रही हूँ 150 ग्राम खोया यानी कि मावा। ये पहले से रोस्टेड मावा है, तो हम इसको ऐसे हाथ से क्रम्बल करके डाल देंगे। और अब मीडियम फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए मावे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि खोवे को ग्रेवी के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें खोवे को जब तक मिक्स करना है जब तक कि खोवे में जो लम्स थे वो सारे ख़त्म ना हो जाए। तो आप देख सकते हो कि खोया बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, और नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, करीब 1/4 चम्मच। आपको ग्रेवी कितनी गाढ़ी या पतली चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी ऐड करें। और पानी डालने के बाद मैं इसको ढककर करीब 2 से 3 मिनट तक कुक करूँगी, और 2 से 3 मिनट बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ 3 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी फिर से अच्छे से पक गई है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर। ये मैंने 350 ग्राम पनीर लिया है और इसको ऐसे कट कर लिया था। मैं पनीर को कच्चा ही डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो रोस्ट करके भी डाल सकते हो। हमने इस ग्रेवी में खोया यूज किया है, तो उससे पहले ही ये बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाती है, इसलिए मैंने पनीर को रोस्ट नहीं किया है। और पनीर के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ी सी ड्राई रोस्टेड कस्तूरी मेथी करीब 1 चम्मच, और 1/2 चम्मच गरम मसाला, और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है, और अब लो फ्लेम पर करीब 4 से 5 मिनट तक कुक करूँगी। तो अभी 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा खोया पनीर बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा खोया पनीर बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसको प्लेट पर निकाल लेंगे, और प्लेट पर निकालने के बाद मैं इसको थोड़े से हरा धनिया और थोड़े से ग्रेटेड पनीर से गार्निश कर दूंगी। इस खोया पनीर को आप रोटी, पराठा या नान या राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो, लेकिन बेस्ट कॉम्बिनेशन इसका नान के साथ आता है। और अगर आपको घर पर नान कैसे बनाए जाते हैं इसकी रेसिपी देखनी हो, तो मैंने कुछ दिन पहले ही नान बनाने की रेसिपी शेयर की थी, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, तो आप देख सकते हो। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही में अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।